उपचुनाव की अब बात करेंगे जिसकी जंग लगातार जारी है। आइए दिखाते हैं आपको आजमगढ़ में आर पार की लड़ाई। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आजमगढ़ में आर पार। देखिए, आजमगढ़ में आर पार लगातार हम जा रहे हैं, नेताओं के दावे वायदे दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जनता के मन में क्या है, मूड क्या है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव है। उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा इस पर हम बात करें, लेकिन आज आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं आजमगढ़ से। जी हाँ, आज हमारे साथ नेता नहीं है, आज हमारे साथ ज्यादा पब्लिक नहीं होगी, हमारे साथ होंगे सिंगर, शायर और कवि। जी हाँ, सिंगर, शायर और कवि। दरअसल चुनावी माहौल है तो हमने सोचा कुछ अलग हो जाए और इसलिए अलग करने के लिए हमारे साथ देखिए तमाम सिंगर शायर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि यहां से भोजपुरी गाने भी आपको सुनाने को मिलेंगे क्योंकि पूर्वांचल में तो यहां भोजपुरी ज्यादा चलती है। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ में आर पार में आज कुछ अनोखा दिखा रहे हैं और सबसे पहले सर का परिचय कराते हैं और फिर आपको कुछ गाने सुनाएंगे, फिर शायरी सुनाएंगे और फिर कविताएं सुनाएंगे। सर, पहले आप अपना परिचय और फिर हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। थैंक यू आपको जो है हमारे पास आने के लिए। मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, मेरा गांव हरिहरपुर है, हरि संगीत घराने से हम जुड़े हैं और मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्र है। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे मतदाता जागरूकता एक तरह से ये रैली टाइप ही है जो जिसे हम जो है मतदाताओं को जागरूक कर सकें, उनको कैसे वोट करना है, किसको वोट करना है, क्यों करना है। ये बहुत शानदार, देखिए मतदाताओं को पहले जागरूक करेंगे ये अपने गाने से। तो सर सुना जी दीजिए फिर। क्या हो रहा है आज के समय में, थोड़ा सा उस ध्यान उस पर ही ध्यान दीजिएगा। एक भोजपुरी, क्योंकि आजमगढ़ की भोजपुरी का खान है। खेती बारी बट जाए, खेती बारी बट जाए, अरे अंगना दुवर वा पाई पाई बिरना हो, कैसे भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना, कैसे भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना, खेती बारी बट जाए, अरे अंगना दुवर वा पाई पाई बिरना, कैसे भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना, कैसे भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना। बाप एके रहली, एके बाप रहली, एके महतारी, तीन गो फूल के फूल सुलभुलवारी। सर बहुत बढ़िया। एके रहल बाप एके रहली महतारी, तीनों गो फूल फूके फुलवारी, अबे गवाह बाटे पढ़े वाला, अबे गवाह बाटे पढ़े वाला झोरा, चंदा मामा और दूध भात का कटोरा, गौवा लोग आके बखेरा लगाई बिरना, गौवा आके लोग अपना बखेरा लगाई बिरना। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। खेत बारी बट जाए, खेत बारी बट जाए, अंगना दुवर वा पाई पाई बिरना, एक भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना, कैसे भाई कैसे नैया बाटल जाए बिरना। और शानदार सर, देखिए पूर्वांचल में और आजमगढ़ में और देखिए भोजपुरी तड़का ना लगे तो फिर कैसे आनंद आएगा। चलिए मैं जल्दी से अपने कवि और शायरों के पास चलता हूँ। सर सबसे पहले शायर साहब के पास, क्योंकि आजमगढ़ की धरती है, यहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा आबादी में रहते हैं और वो शायर ही मिलते हैं, अपना परिचय और फिर हो जाइए सर शायरी। मैं आजमगढ़ का शायर हूँ ताज आजमी जी। और आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जी। और मैं कुछ शेर आपका पहुँचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। हम देश के वासी हैं, इस देश में रहते हैं, बहुत बड़े हम देश के वासी हैं, इस देश में रहते हैं, भाई तालियां बजती रहें। हम देश के वासी हैं, इस देश में रहते हैं,
ईमान की खाते हैं, ईमान से कहते हैं, ईमान की खाते हैं, ईमान से कहते हैं। बहुत शानदार। देखिए ये शायर हैं, अब कविताओं के जरिए आपका, क्योंकि देखिए आजमगढ़ में चुनाव है और चुनाव के दौर में आपको शायरी, कविताएं और गाने यहाँ नहीं दिखाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, क्योंकि पूर्वांचल में और आजमगढ़ में। सर आप अपना परिचय और फिर हो जाइए शुरू। मैं राजकुमार आशीर्वाद, गीतकार और भजन गायक हूँ और इसी धरती का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का। आपने आदेश किया है कुछ गीतों से अपनी बात कहूँ, तो कहना चाहूंगे कि किसी भी मजहब की तौहीन करना बंद कीजिए। किसी भी मजहब की तौहीन करना बंद कीजिए, इंसान है तो इंसानियत की आवाज बुलंद कीजिए। और कहना चाहूंगा कि झुका कर सर तेरी मोहब्बत का हम एहतराम करते हैं, झुका कर सर तेरी मोहब्बत का हम एहतराम करते हैं, आज से नहीं अभी से मेरे दोस्त ये जिंदगी हिंदुस्तान के नाम करते हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात आई है तो जिनका ईमान जिंदा है, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जिनका ईमान जिंदा है वो कभी बेईमान हो नहीं सकता, जिनका ईमान जिंदा है वो कभी बेईमान हो नहीं सकता, और जिसने इसका खून कर दिया नाम से कुछ भी हो, मेरे भाई मुसलमान हो नहीं सकता। बहुत बहुत और जिसका ईमान जिंदा होता है वो वीर अब्दुल हमीद होता है, अब्दुल कलाम होता है, ऐसे सत्य राज का अदब से सलाम। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। देखिए कविताओं के जरिए आप समझिएगा, कवि शायर वो सरकारों पे कटाक्ष भी करते हैं लेकिन संदेश भी देते हैं, और आप देख ही रहे हैं देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है लगातार, लेकिन एक भाईचारे का कविताओं के जरिए, शायरी के जरिए यहाँ संदेश भी दिया जा रहा है क्योंकि आजमगढ़ में है। चलिए सर आप अपना परिचय और फिर हो जाइए शुरू। मैं गीतकार वैभव वर्मा और यही आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सबका, दोनों लोगों का, पूरा देश बहुत ही सराहनीय कदम के लिए तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन हम कवियों का काम है कुछ जनता की भी बात करें। बहुत बढ़िया। जनता के मन में क्या है, क्योंकि कवि ही है जो जनता के मन की बात समाज में उजागर करता है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखिए कि सबसे पहले देखिए आप चुनाव की बात पूछे हैं, चुनाव में क्या महत्वपूर्ण है, देखिए एक लाइन कि जब मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूं, देखिए चुनाव इसी बेसिस पर आज हो रहा है कि जब मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूं, मेरा कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। मैंने पूछा भाई क्यों भौंक रहे हो, क्या कारण है, उसने कहा मैं कारण वाला नहीं जानता, बगल वाला भौंक रहा था मैं भी भौंकने लगा। मैं बगल वाले से पूछा, उसने कहा गली वाला भौंक रहा था मैं भी भौंकने लगा। मैं गली वाले से पूछा तो उसने कहा चौराहे वाला भौंक रहा था मैं भी भौंकने लगा। मैं दौड़ा दौड़ा चौराहे पे गया और पूछा कि भाई तुम लोग एक साथ मिल करके भौंक रहे हो, ये कैसा बवाल है, उसने कहा ये हुजूर ये बवाल नहीं है, ये बिरादरी का सवाल है। तो ये इसी बेसिस पे चुनाव आज हो रहा है। लेकिन जनता की बात, जनता के मन की बात हम लोग कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं। बेसिकली मैं गीतकार हूँ, अपनी बात में कह रहा हूँ। देखे आप कि वतन के वास्ते जाए हमारी जान लिख देना, वतन के वास्ते जाए हमारी जान लिख देना, हो जाऊं देश की खातिर अगर कुर्बान लिख देना, मरूं तो और कुछ करना न करना देश के लोगों, मेरे सीने पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिख देना। चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। देखे आप, जनता विश्वास करती है और जब कोई कुछ कमी रह जाती है तो वही जनता क्या कहती है, देखे आप कि आपने जो कहा हम वो करते गए, आपने जो कहा हम वो करते गए, अब आप ही की नजर से उतरते गए, आपने जो कहा हम वो करते गए, और मेरी दरिया दिली आप भी देखिए, मेरी दरिया दिली आप भी देखिए, जो था कातिल उसी पे ही मरते गए, मेरी दरिया दिली
आप भी देखिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास आगे की कविताओं के लिए। चलिए और हमारे साथ कवि हैं सर, हो जाइए और अपना परिचय करा दीजिए और दो पंक्तियां। मैं नरेंद्र सिंह वैभव वर्मा जी के सानिध्य में रहता हूँ और वैभव वर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया आपको। मैं चार लाइन में मोदी जी की प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर रहा हूँ कि मोबिल में हम पूरी छानब तोहरे बाप का, बर्फी हम अचार से खाब तोहरे बाप का, सावन में हम फगुआ गावब तोहरे बाप का, मिर्चा हम चाशनी से खाब तोहरे बाप का। ये मोदी जी पे बहुत सटीक बैठता है। मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं, तो इसलिए ये मोदी जी पे कविता है। और मोदी जी इस पे ध्यान दें, वैभव भैया जी से आप लीजिए इस पे देखिए टिप्पणी। चलिए मैं आऊंगा, अब पब्लिक के पीछे चलूंगा। चलिए आप कहाँ सर जी? वोट पढ़ेंगे अब, क्या लग रहा है? हाँ पढ़ेंगे वोट। किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो दोनों लोग लग रहा है, इसमें फिलहाल विकासवाद का माहौल लग रहा है। विकास का लग रहा है जी। इस बार बदलाव या फिर आपको लग रहा है? हाँ बदलाव आने वाला है। बदलाव आ जाएगा जी। साइकिल या कुछ और? नहीं अब लड़ाई में तो दो लोग हैं, किसको पता है। अच्छा चलिए भैया, अरे आइए आइए, क्या लग रहा है इस बार? देखिए माहौल देख कर ये समझ में आ रहा है, आजमगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त और त्राहिमाम है। कानपुर दंगा उठा के देख लीजिए आप, बनारस के माहौल को देख लीजिए, मंदिर की बात की जा रही है तो मस्जिद की बात की जा रही है। जनता के इन मुद्दों से कोई मायने मतलब नहीं है, जनता को अपनी रोजी रोजगार रोटी से मतलब है और जनता कहीं ना कहीं ठगी हुई महसूस करती है अपने आप को। राशन दिया जा रहा था, मौजूदा गवर्नमेंट ने एक नया अध्यादेश लाया कि राशन अब नहीं दिया जाएगा, चुनाव खत्म है, जनता को अब राशन तो दिया जा रहा है। उसमें पात्रताओं की बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं इस वजह से, और जनता को हर माहौल में हर मुद्दे पर क्या लग रहा है यहाँ कौन मजबूत है? यहाँ पर देखिए यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता ये जानती है कि एक्सपोर्ट करने में फायदा है ना कि इम्पोर्ट करने में फायदा है। चलिए इम्पोर्ट, भैया आपको क्या लग रहा है? मुझे तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है उसके अनुसार फिर से बीजेपी आ रही, लेकिन एक मुद्दा जरूर है कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घरोना बसाने में और उन्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। इस तरह समय जो भी पत्थरबाजी या जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम सभी लोग मिलकर उस पर रोक लगाएं, क्योंकि जो लोग हाथों में पत्थर देते हैं उनके घर का एक भी शख्स पत्थर चलाने में शामिल नहीं होता, वो बाकी लोगों से चलवाते हैं। उनके घर के लड़के बहुत अच्छे घरों में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लड़कों से पत्थर चलवाया जाएगा, यहाँ के लड़कों से माफियागिरी कराई जाएगी। शानदार बात की है, कानपुर हिंसा में एक बड़ी बात है भैया। चलिए लोग यहाँ पर अब भाई साहब के पास चलते हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो महफिल है लोग भी हैं, लोगों के हम रिएक्शन भी ले रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है, सवाल क्या है, मुद्दे क्या है, कौन किस पर हावी रहेगा। लेकिन शेरो शायरी चल रही है और देखिए गाने भी चल रहे हैं, क्योंकि ये आजमगढ़ में उपचुनाव है। भाई साहब अगला हो जाए और कौन सा है वो जरा हमारे दर्शक मतदान किस तरह से करना है फड़ोसी मुद्दे पे ही संग। देश बचाने के लिए, देश बनाने के लिए, देश बचाने जी वाह बहुत बड़े लिए, देश बचाने के लिए आजमगढ़ में अच्छी सी गढ़ बनाने के लिए, आजमगढ़ को अच्छी एक गढ़ बनाने के लिए, आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ की जनता को ये नोट करना होगा, घर से निकल कर सबको वोट करना होगा, घर से निकल कर हम सबको वोट करना। सुन लो भैया आजमगढ़ वाले सुन लो, वोट जरूर करना है। सर हो जाइए फिर आप शुरू, आपका नंबर आ गया। ए दोस्त तू क्यों नहीं समझता, ए दोस्त तू क्यों नहीं समझता, मोहब्बत से रोशन जहां ये सारा है, तभी तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वाह बहुत बढ़िया। और कहना चाहूंगा कि आज कुछ हमारे संस्कारों में गिरावट आई है, उस पर दो लाइनें आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ के आंसुओं का जिक्र तो हर कोई करता है, माँ के आंसुओं का जिक्र तो हर कोई करता है, मगर बाप के बलिदानों को कोई क्यों नहीं देखता है। खुद के कपड़े कहाँ कहाँ फटे हैं बाप को पता नहीं है,
मगर बेटे को नया सिला देता है, वही बेटा बड़ा होकर बाप को रुला देता है। ये बाप की ही कुवत है, ये बाप की ताकत है कि बेटे की तरक्की के लिए, बेटे की खुशियों के लिए अपने धर्म ईमान यहाँ तक कि भगवान को भी बुला देता है, वही बेटा बड़ा होकर बाप को रुला देता है। बेटे का एक मुस्कुराना भी बाप को जन्नत का मजा देता है, वही बेटा बड़ा होकर इसी माँ बाप को न जाने किस बात की सजा देता है। माँ के आंसुओं का जिक्र तो हर कोई करता है, मगर बाप के बलिदानों को कोई क्यों नहीं देखता है। जय जय सर। कोई अगर आज आजमगढ़ में उपचुनाव है तो कुछ उस पर हो तो आप दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को कर दीजिए। जितनी भी बुराइयां हैं उन पे जमकर चोट कीजिए, सुबह सवेरे सबसे पहले वोट कीजिए। बहुत बढ़िया, एक अच्छा संदेश दे रहे हैं हमारे कवि। चलिए आगे चलता हूँ, शायर साहब हैं हमारे सर। कि देश के खातिर तन मन धन सब अपना लुटाया गांधी जी ने, कि देश के खातिर तन मन धन सब अपना लुटाया गांधी जी ने, उनके जैसा नेता होना सबके बस की बात नहीं, उनके जैसा नेता होना सबके बस की बात नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहता हूँ, तमाम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं और मैं भी करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार रंगों के धागे हैं, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार रंगों के धागे हैं, सबको लेकर साथ में चलना सबके बस की बात नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए ये है शायरी, और वाकई में हर शायर, हर हमारा कवि यही संदेश दे रहा है कि देखिए भैया भाईचारे से रहिए। चलिए सर आपकी एक कविता। मैं पुनः एक तरफ में ले जाना चाहता हूँ आपको, इशारे से अपनी बात में कह रहा हूँ, जहाँ कहीं न कहीं जनता ये बात उठाती है। दो पंक्तियां देखिए, एक से महंगाई के इस मेले में अपनी ही पहचान खो गई, महंगाई के इस मेले में अपनी ही पहचान खो गई, नौजवान की कमर झुक गई बच्चों की मुस्कान खो गई। मंच दें उनके जो समस्याओं का, उनके पास भी समस्याएं, उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। कला भवन है, उस कला भवन पर केवल रंगकर्मियों का ही कब्जा रहता है, हम कलाकार वहां पर कुछ नहीं कर पाते, केवल रंगकर्मी कार्य करता है। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं एक कलाकार होने के नाते मैं तो समर्थन करूंगा दिनेशलाल यादव जी का ही। लेकिन सर कुछ गुनगुना दें, एक कलाकार हैं, अगर आपको चार पंक्तियां आती हो तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों। नहीं अभी तो देखिए हमारा इस पे चुनाव पर तो कोई गाना है नहीं मेरा। जो भी है आपके मन में गाना जो है कि हमने बहुत सारे गाए हैं, भजन गाए हैं, लोकगीत गाए हैं। लोकगीत सुना दीजिए सर। लोकगीत जो हम एक भजन सुना देते हैं अपना जी। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, बहुत बढ़िया सर। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। एक आखिरी गाने के साथ हम यहाँ अपने शो को यही खत्म कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सर आखिरी गाना आपके साथ। आखिरी सॉन्ग, हम सिपाही हैं, हम मरते दम तक देश की अपनी रक्षा करेंगे। हम सिपाही हैं, हम मरते दम तक, हम सिपाही हैं, हम मरते दम तक देश की अपनी रक्षा करेंगे, हम देश की अपनी रक्षा करेंगे। गोदी में धरती माता की ममता,
देश में धरती माता की ममता, हम तिरंगे की पूजा करेंगे करेंगे, हम तिरंगे की पूजा करेंगे। चंद्रशेखर की गए हम में शक्ति, ये हमारा धर्म देश भक्ति, देश के वास्ते यार क्या है, देश के वास्ते यार क्या है, जान की भी न परवाह करेंगे, जान की भी न परवाह करेंगे। हम सिपाही है हम मरते दम तक, देश की अपनी रक्षा करेंगे, देश की अपनी रक्षा करेंगे। जिसने गौरव का यह झंडा तोड़ा, नाम लेते रहे देश का अपने, हिंद जय बोला करेंगे, हिंद बोला करेंगे, देश की अपनी रक्षा करेंगे, देश की अपनी रक्षा करेंगे। हम सिपाही है हम मरते दम तक, देश की अपनी रक्षा करेंगे, देश की अपनी रक्षा। सर बहुत शानदार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप खास मेहमान हमारे साथ आए और अपनी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। और देखिए आजमगढ़ में आर पार में हमने आपको कुछ अलग हट के दिखाया, हमारा मकसद यही था, हम चाहते थे कि देखिए कि आपको कुछ नया दिखाएं, कुछ अलग दिखाएं, यही हमारा मकसद था। लेकिन चलिए इधर कुछ आवाज आई, भैया कुछ कहना चाह रहे थे। इसी बीच में हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो बेईमान नेता को कुर्सी से हटाना होगा, तभी देश का कुछ उद्धार हो सकता है और जाके सरकार कुछ कर सकती है। चलिए आप चाहते हैं नेता करप्ट, जब नेता ही करप्ट रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, करप्ट नेता क्या करेंगे? जी करप्ट जी नेता को हटाया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने आजमगढ़ में आर पार में बस इतना ही, फिर अगली जगह पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।